नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। यार फाइनली जो है सैमसंग ने अपनी जो है गैलेक्सी ए सीरीज को जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें अभी जो है हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A30 और सैमसंग गैलेक्सी A50 की। तो ये दोनों ही फोन जो है लॉन्च हो चुके हैं। फाइनली बता देते हैं इसके प्राइस, बता देते हैं इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या लॉन्च किए हैं यहाँ पर सैमसंग ने। जल्दी अनबॉक्सिंग आएगी, कुछ इस तरीके की अनबॉक्सिंग। और आपको पता है मैं जो करता हूँ वहाँ पर गेमिंग टेस्ट, मतलब 100% 0% पबजी बैटरी ड्रेन टेस्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि क्या हमें वो जो है सैमसंग गैलेक्सी A30 का पहले करना चाहिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी A50 का पहले करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, उनको पता होगा कि मैं पबजी ड्रेन टेस्ट करता हूं, तो उसी तरीके से जो है हम गैलेक्सी A सीरीज का भी करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो बता दूं, इंडिया में जो है फाइनली लॉन्च हो गया है सैमसंग गैलेक्सी A30 और A50। जिसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले हम जो है प्राइस सेगमेंट की, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A30 वाला वेरिएंट है, जहां पर एक ही फ़ोन लॉन्च किया है, मतलब 4GB 64GB के साथ में, जिसका प्राइस रखा है 16,990। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A50 की, तो उसका प्राइस रखा है 19,990, जहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको जो है देखने को मिल जाता है, जो कि वेरिएंट है 4GB RAM 64GB स्टोरेज। एंड इसका एक अपर वेरिएंट आता है जहां पर है 6GB RAM 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस रखा है 22,990। मतलब हमें जो है 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे सैमसंग गैलेक्सी A50 के, मतलब 4GB स्टोरेज के लिए, 4GB रैम के लिए। एंड बात करते हैं 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आपको जो है 6GB रैम देखने को मिल जाएगी। क्या आप इस प्राइस सेगमेंट से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं खुश है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं फोन की स्पेसिफिकेशन की। जल्दी अनबॉक्सिंग आ जाएगी, जल्दी रिव्यू आ जाएगा, जल्दी गेमिंग टेस्ट आ जाएगा, जल्दी कंपैरिजन आ जाएगा, लेकिन अभी हम जो है स्पेसिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो दोनों ही फोन में आपको जो है डिस्प्ले साइज मिलता है वो है 6.4 इंच का डिस्प्ले, जो कि है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले के साथ में। कुछ इस तरीके का आपको जो है डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल रहा है। बात करते हैं यहां पर डिस्प्ले परफॉर्मेंस की। तो डिस्प्ले परफॉर्मेंस में आपको दोनों ही फोन में जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि है रेजोल्यूशन जो कि है फुल HD+ दोनों ही फोन में। इन्फिनिटी यू के साथ में आपको स्क्रीन रेशियो मिल जाता है, जो कि है 19:5:9 का स्क्रीन रेशियो। अब बात करते हैं हम दोनों ही फोन परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस में इन दोनों में से कौन सा फोन बेटर रहेगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A30 का कुछ चिपसेट जो कि मिलने वाला है वो है सैमसंग का एक्सिनोस 7904, जो कि काम करेगा 1.8 गीगाहर्ट्ज के साथ में। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A50 की, तो वहां पर चिपसेट यूज किया गया है जो कि है एक्सिनोस का 9610, जो कि काम करेगा 2.3 गीगाहर्ट्ज के साथ में। तो यार देख सकते हैं यहां पर परफॉर्मेंस में जो है हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। कंपैरिजन आएगा, बता देंगे कितना जो है डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यार कैमरे की। देखो डिस्प्ले और डिजाइन में हमने देखा कि ऑलमोस्ट सेम से कन्वर्जन आपको जो है देखने को मिलते हैं A30 और A50 में। परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा गैलेक्सी A50 और A30 में, क्योंकि A50 जो है चिपसेट जो है उसमें 9610 यूज़ किया गया है, जहाँ पर परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बेटर दिखाई देता है। अब बात करते हैं कैमरे के, तो कैमरे में आपको जो है कौन सा फोन बेटर मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी A30 में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको जो है ड्यूअल रियर कैमरा। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की A30 के, तो वहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का आपको जो है कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में बात करते हैं सैमसंग की गैलेक्सी A50 की, तो वहां पर आपको जो कैमरा मिलेगा वो है 25 मेगापिक्सल का, 8MP का जो है अल्ट्रा वाइड के लिए, 5MP का जो है डेप्थ सेंसिंग, मतलब लाइव फोकस के थ्रू बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए है। साथ में बात करते हैं 50 के फ्रंट कैमरे की, तो वहां पर आपको जो मिलने वाला है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जहां पर आपको मिल जाएगा लाइव फोकस के थ्रू बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। मतलब फ्रंट कैमरे में भी आपको जो है A30 A50 दोनों में ही जो है सेल्फी फोकस और लाइव फोकस आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, और कुछ डिफरेंट फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे AR स्टिकर्स वगैरह जो है सैमसंग कुछ फोनों में देता ही है, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज में भी देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी A30 आपको मिलेगा फोन के बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि है रियर साइड में, और यहां पर गैलेक्सी A50 मिलेगा आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। काफी अच्छी बात होने वाली है हमारे लिए। तो ये सैमसंग का सबसे कम प्राइस में बनने वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फोन जो है बन जाता है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A50। क्या आप इन तीनों फोन का वेट कर रहे हो, आप परचेस करना चाहते हो या फिर जो है नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। रिव्यू का वेट कर रहे हो, कंपेरिजन का वेट कर रहे हो, बैटरी ड्रेन टेस्ट का वेट कर रहे हो पबजी के साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जल्दी करने वाले हैं, मे बी 1 से 2 दिन में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो यार ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है यार इन दोनों फोन के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी A30 A50 के बारे में। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको पसंद आया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर 20,000 रुपये की प्राइस में सैमसंग के ब्रांड के साथ में, बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से करो सब्सक्राइब, आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन जो कि होगा सब्सक्राइब का, दबा के कर देना उसको गिरे साथ में जो है बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलता है ऐसे किसी अगली वीडियो में।